मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त बिहार विधानसभा से हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके की सियासी प्रतिक्रियाएं इस वक्त बिहार विधानसभा से मिल रही हैं इस छापेमारी को लेकर। प्रकाश, सड़क से लेकर सदन तक दोनों जगह हंगामा बरपा है, आखिर क्या वजह है? आपको हम बात कराएंगे शाहीन जी से, जो आरजेडी के नेता एमएलए हैं, और साथ ही राणा रणधीर और प्रमोद कुमार, ये दोनों पूर्व मंत्री रह चुके हैं बीजेपी के, और इनके हाथ में जो है जन जन के विश्वास को तोड़ा है यह सरकार, तो बस एक धोखा है, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तख्ती बदल गई है और नेताओं का ये नियमावली लेकर के आए हैं। देखिए, इनके हाथ में नियमावली है और बगल में इन लोगों ने कहा है कि विश्वास तोड़ा है। पहला ये है कि आपने विश्वास तोड़ा है, ये बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं। धोखा दिया आपने? किस तरह का धोखा दिया है? यही आप क्या किस तरह का धोखा है बताइए। नहीं, धोखा तो इनसे नहीं है, धोखा तो नीतीश कुमार जी और जो अब दूसरे कई नामों से बिहार के गांवों में टोले महल्ले जाइए तो अब लोग अलग अलग नाम से उनको बुलाते हैं, पलटू कुमार जी, कुर्सी कुमार जी। और बिहार में पहले भोजन के नाम पर लिट्टी चोखा बहुत फेमस हुआ करता था, लेकिन अब बिहार में दो चीज़ें बहुत फेमस हो रही हैं, एक तो लिट्टी चोखा है ही, दूसरा नीतीश कुमार जी का धोखा जो पहले इनके साथ किया अब आगे कर ही रहे हैं। सुन लिया आपने आरोप? 2013 है से लगातार। देखिए, 2015 में महागठबंधन को बहुमत मिला था, तब नीतीश कुमार जी इनके साथ चले गए थे, तब ये धोखा नहीं था, और आज हमारे साथ आ गए तो धोखा है। देखिए, पहले कुछ गलती हो गई थी मुख्यमंत्री जी से कि समर्थन मिला था महागठबंधन को, दो साल के बाद पुरते पुरते वो चले गए थे भाजपा में, अब इन्होंने उसको ठीक किया कि नहीं, तो अब राजद के साथ आ गए, तो उन्होंने जो गलती पूर्व में हुई थी उसको ठीक किया कि समर्थन जिसके साथ जितना था उसके साथ। ये कह रहे हैं कि गलती हुई थी, 15 से पहले 13 ले जाएंगे इनको, और बिहार जो झेल रहा है देश देख रहा, 13 में क्या हुआ था, फिर 13 में वही करके गए। लेकिन क्या इसका बदला आप CBI ED को लगाएंगे, क्योंकि RJD के MLC कोषाध्यक्ष जो सुनील सिंह, उनके घर पर, दो राज्यसभा सांसद उनके घर पर रेड चल रहा है, तो क्या इसका बदला धोखे का ऐसे लेंगे आप? देखिए, कानून अपना काम करता है और कानून का राज स्थापित है देश में भी और बिहार में भी, और प्रक्रियाओं के तहत एक दिन में तो कोई रेड या कुछ कार्रवाई होती नहीं है, ये तो कोई भी व्यक्ति व्यवस्था से। और आप ये इत्तेफाक रही है कि जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव है अध्यक्ष के खिलाफ, अध्यक्ष आपके बीजेपी के हैं, उसी दिन रेड पड़ रहा है सब जगह, क्या इत्तेफाक है या जानबूझ करके? जानबूझ के तो कभी होता नहीं, देश की संस्थाएं हैं, कानून अपना काम करता है, कानून अपना काम कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं। देखिए, जब ये जन समर्थन खो जाते हैं विधानसभा में, ये बहुमत खो जाते हैं, तो बिहार के बच्चे बच्चे को पता था कि अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, जांच एजेंसी जब ये हार जाते हैं, परास्त हो जाते हैं, कोई चारा नहीं बचता है, तो जांच एजेंसी का उपयोग करते हैं। बिहार के बच्चे बच्चे को पता था कि दुरुपयोग होगा, आज नकल छापामारी शुरू होगा। देखिए, आज छापेमारी, आज बहुमत का दिन है, अगर जन समर्थन आपके पास है तो हाउस में आइए, आप जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है, बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है, सारी बातों को समझ। नियमावली लेकर आप क्यों आए? क्योंकि आज की सुनवाई अध्यक्ष जी को नहीं करनी चाहिए, अध्यक्ष जी पर अविश्वास है। अध्यक्ष जी को बैठे देंगे आसन पर? नियम तो यह नहीं कहता है, लेकिन हम बल प्रयोग तो करेंगे नहीं, हम नियमावली दिखाएंगे कि इसका 110 नियमावली कहता है कि अविश्वास आप पे लगा है तो आप सुनवाई नहीं करेंगे, उपाध्यक्ष सुनवाई करेंगे। अगर ऐसा करते हैं वो अध्यक्ष, क्योंकि वो इनकार कर रहे हैं इस्तीफा देने से, वो कह रहे हैं कि वो करेंगे चेयर, ये तो नियम के विरुद्ध होगा ना भारत। आपको क्या लगता है? देखिए, आज तो ये इस बात का फैसला होना है ना कि बिहार जो एक ऐसे व्यक्ति की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगा, एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले 10 वर्षों से बिहार में 6 बार मुख्यमंत्री बन चुका और उसकी विश्वसनीयता का सवाल है, जनता देख रही है, और इतना अहंकार बढ़ा हुआ है कि मीडिया के मित्रों को भी उसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या क्या बोलता आपसे छुपा नहीं है, तो जिसका अहंकार इतना बढ़ जाए तो जनता। आप सदन में बैठेंगे आसन पर, आपके जो बीजेपी के हैं जो अध्यक्ष हैं आप विजय सिन्हा जी, बिल्कुल नियम के हिसाब से वो अध्यक्ष हैं, तो बैठेंगे, अध्यक्ष हैं, जब उन पर सुनवाई हो जाएगी, जब सुनवाई शुरू होगी तब वो आसन छोड़ तो कह रहे हैं कि आसन पर बैठेंगे। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, नियमावली ये कहता है कि ये भी नियमावली कह रहे हैं कि नियम है कि अध्यक्ष बैठे, दिखाएं, जब तक उन पर आ नहीं जाएगा सदन में अविश्वास, चर्चा सदन में होगी, सदन में नियमावली की चर्चा होगी, कोई पहले पहले थोड़े आसन पर बैठे देंगे, निश्चित बैठेंगे, निश्चित लोग विरोध करेंगे, तो विरोध करेंगे फिर भी आसन पर बैठेंगे, जब इन पर अविश्वास प्रस्ताव का देखिए, जिस पे अविश्वास लगा है क्या अपने अविश्वास के सुनवाई वो खुद करेंगे? नियमावली ये कहता है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिस पे भी अगर लगता है बवाल होगा नहीं करेंगे, अगर दोनों पे भी लगता है तो दोनों सुनवाई नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कि बवाल होगा अंदर में?
नहीं देखिए, ये तो छीछा लेदर होगा ना कि आप पे है सुनवाई और आप ही जबरदस्ती आसन पे बैठ रहे हैं, तो इस तरह से कीजिएगा। सदन नियमावली से चलता है, इसमें कहीं कोई विरोध नहीं। और नियमावली नियमावली के किताब है, एक से एक विधि बेता है, ये सब तो विधि मंत्री रह चुके। हम कह रहे हैं नियमावली के हिसाब से चलेगा सदन और विधानसभा अध्यक्ष बैठेंगे। ये रखे हुआ है, हटेंगे। वो कह रहे हैं कि अपना संबोधन दे देंगे तब हटेंगे। लग जाएगा, लगा कहाँ है, सदन में लगता है ना। सदन में जब लगेगा तब वो नियम सम्मत कार्रवाई करेंगे, जो परंपरा रही है। आपको नहीं लगता है कि आप लोग विश्वास खो चुके हैं? उनके पास नंबर्स है, इनके पास 164 है, आपके पास मात्र 76 है। नहीं खोया, ये तो बहुमत का प्रश्न। हाँ, विश्वास पर तो विश्वासघात हुआ है। जनता ने हमको चुन के भेजा था, एनडीए को बहुमत मिला था, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे बहुमत मिला था, तो विश्वास खोने का तो प्रश्न ही नहीं। अंदर में तब तो फिर इसका मतलब बवाल कराइएगा आप। नहीं, ऐसा कुछ है। ये देखिए, स्पष्ट रूप से एक लाइन का है, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के संकल्प पर विचार हो रहा हो तब वे अध्यक्षता नहीं करेंगे। ये तो नियम 10 नियमावली तनी पढ़ा दीजिए, 110। सदन में विचार होगा, तो उस सदन में विचार होगा ना, उस पे उसके ऊपर से ना पढ़िए। सदन में विचार आएगा, जब सदन में आएगा ऊपर से पढ़िए ना। क्या लिखा है, 14 दिन पहले नोटिस होना चाहिए। 14 दिन पहले नोटिस किया है हम लोगों ने 9 तारीख को ही कर दिया है। आज 15वां दिन है, 15वां दिन है। 9 को मुहर्रम की छुट्टी थी, 10 तारीख को आया है विधिवत। आप जोड़ लीजिए 10। ये खुलासा कह रहे हैं, आज 24 तारीख एक दिन कह रहे हैं छुट्टी है, इसलिए उसको नहीं। 14 दिन का अंतर होना चाहिए, 14 दिन के बाद। जबरदस्ती कुर्सी बचाने के लिए इस स्तर पे चले जाएंगे, दुर्भाग्य है। 14 दिन का समय है। आप लोग तकनीकी बातें बता रहे हैं, और चीज बता देता हूँ। देखिए, सदन जो है साइन डाई था, और साइन डाई में ऐसी सूचना का महत्व नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? सदन 14 दिन का समय, 9 तारीख को ही ऑनलाइन हम लोगों ने अविश्वास ला दिया। तो ऑनलाइन दे रहे हैं, ऑनलाइन की मान्यता ये पहले सरकार से, संसदीय कार्य मंत्री या जो सरकार की व्यवस्था है वो क्या मेल पर काम कर रही है, मेल पर नियुक्तियां हो रही है। सबसे ज्यादा ऑनलाइन ऑनलाइन चिल्लाते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन कीजिए, ऑनलाइन जवाब दीजिए। दुनिया ऑनलाइन हटाइएगा, कितना पीछे बीजेपी है। ऑनलाइन भी कर चुके हैं, ऑफलाइन भी कर चुके हैं, ऑन पेपर भी कर चुके हैं। जबरदस्ती हट धर्मिता होगी, और समझिए एक प्रतिष्ठा अध्यक्ष का होता है वो गिराने वाली बात होगी। आप लोग करेंगे क्या? हाँ, आप लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जैसे ही कार्रवाई जैसा वहाँ पे होगा वैसा स्ट्रेटजी। आप लोग कोई भी हर स्थिति के लिए तैयार है ना? बिल्कुल, जैसा वहाँ पर निर्देश, सदन के अंदर बैठे देंगे आसन पर। ये कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, जैसा नेताओं का निर्देश होगा उस हिसाब से काम होगा। आपने सुना, आरजेडी के भी विधायक को और बीजेपी के भी विधायक को कि कैसे वो बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। ये देखिए, उपेंद्र कुमार पार्टी के हाथ में, भारतीय जनता पार्टी जैसे चाहती है वैसे एजेंसी एक्ट करती है। छापामारी हो रही है तो आज ही क्यों रही है, यह तो सवाल होता है ना, क्यों हो रही है आपके हिसाब से? हम तो कह रहे भारतीय जनता पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा जो विधान परिषद के सदस्य हैं, वो आप देख रहे होंगे उनको कि कैसे वो अपनी बात कह रहे थे कि आने वाले समय में होगा। अब यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर कि विधायक जो हैं वो धीरे धीरे आने लगे हैं। सभी पार्टियों के विधायक हैं, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस। और क्योंकि 11 बजे ही सदन की शुरुआत होनी है, और शुरुआत में ही बहुत कुछ होगा आज सदन के अंदर। सड़क पर तो आप देख ही रहे हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के हवाले से जो खबर आ रही है वो उसमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर सीबीआई रेड कर रही है बिहार में। आरजेडी के तमाम बड़े नेता हैं जो काफ़ी करीबी है लालू यादव के, उनके घर पर छापेमारी हुई, उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई। बिल्कुल, तो ईडी सीबीआई की छापेमारी से लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक, यकीन मानिए आज बिहार में विधानसभा सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।